ओके बच्चों, तो सारे ऑल अनअलोकेटेड एक्सपेंडिचर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आपका नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. नेट सेल मतलब बच्चा आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज योर नेट सेल. उसके आधार पे हम लोग सारे एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जहां तक बच्चों एक्सपेंसेस अपर्सनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, मैं आपको ऑलरेडी नोट्स दे चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सारे एक्सपेंडिचर्स का एक पर्टिकुलर अपर्सनमेंट होता है. बट वेयर आपका क्वेश्चन इज साइलेंट होगा कि कहां पे किसको अपर्सन करना है, मतलब रेशियोज नहीं होगा एट द टाइम. बच्चों आपको सिर्फ नेट सेल्स या सेल्स को आधार करके आपको सारे अनअलोकेटेड एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहां पर ऑलरेडी दे भी दिया है. नाउ बच्चा फाइनली प्रिपेयर इन ए कॉलमनर फॉर्म. व्हाट इज कॉलमनर फॉर्म? मतलब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, मतलब एक ही बुक में सब बनाओगे. प्रिपेयर इन कॉलमनर फॉर्म ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द टू डिपार्टमेंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंबाइंड. और क्या बनाना है? बैलेंस शीट ऑफ द कंबाइंड बिजनेस एज ए होल एज ऑन 31st March 2016. क्लियर? सो लेट्स सी बच्चो कैसे बनाया जाता है. देखो सभी, और हेडिंग क्या होगा? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बस एफ आर. ओके, फॉर द आपका ईयर एंडेड 31st March 2016. मार्च से शायद. ओके, हमें टू डिपार्टमेंट्स बनाने हैं बोथ साइड में. ध्यान से देखें, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट्स आपका वन ना डिपार्टमेंट वन आई डबल आई है ना. ओके, देन अगेन पर्टिकुलर्स यहां पे डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू. This side is your credit and this is your debit. So this is your बच्चा structure, जैसे कि आपको मालूम है. Now start करें बच्चों. देखो बच्चा first क्या आएगा? To opening स्टॉक. क्लियर? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मेटेरियल्स के फॉर्मेट में फॉर्म में है और एक फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में है. सो बच्चों ओपनिंग स्टॉक आपका मेटेरियल्स है, फिनिश्ड गुड्स. तो पहले लिखा मैंने मेटेरियल्स, देन उसके बाद कोई बात. हमारे पास ओपनिंग क्या था? कुछ रॉ मेटेरियल्स पड़े थे और कुछ सामान बन चुका था, मतलब वो फिनिश गुड्स हो चुका था, जो भी ओपनिंग स्टॉक. समझ में आया? जैसे ही सपोज अगर मैं स्नैक्स दुकान बोलूं, सपोज जैसे बोलते हैं समोसा बड़ा का दुकान है, तो उसके पास सुबह दुकान खोलते वक्त ऑलरेडी कुछ मिठाई समोसा वगैरह बना हुआ था एंड कुछ मेटेरियल्स भी था बनाने के लिए. तो वो मेटेरियल्स है कुछ फिनिश्ड जो बन भी चुका है. समझ में आया? तो कुछ हुआ मेटेरियल्स, कुछ हुआ फिनिश गुड्स. पानी आ रहा है मुंह पे, समोसा का नाम सुन के तेरा. ओके, तो बच्चा ये हुआ 7000 5000. सो दिस इज योर 7000 एंड 5000 एंड फिनिश गुड्स कितना है? 18 15 18000 और एक आपका हो रहा है
15,000 मतलब 15,000 क्लियर। तो ये हमारा हुआ ओपनिंग स्टॉक। देन हमें यहां पे क्या लिखना है, परचेस लिखना है। तो यहां पे रिटर्न की है कि नहीं, परचेस बच्चों आपका 2,30,000 डिपार्टमेंट वन का माइनस रिटर्न भी है। तो अगर हम रिटर्न को उस साइड भी लिख सकते हैं ग्रेट साइड में, हाँ या नहीं, क्लियर। अगर नहीं तो यहां अगर लिखेंगे हम लोग, सपोज परचेजेस लिखा हमने डिपार्टमेंट वन कितना है, 2,30,000 माइनस रिटर्न्स 2,000 सो 2,28,000 ना, 2,28,000 हो गया आपका। सो दिस इज योर 2,28,000। देन डिपार्टमेंट 1,90,000 माइनस रिटर्न्स आपका हुआ 1,000 दैट इज योर 1,89,000 दिस इज योर परचेजेस। देन हमें यहां पे क्या लिखना है, बाय सेल्स, सेल्स में भी रिटर्न है डिपार्टमेंट वन ओके माइनस रिटर्न डिपार्टमेंट टू माइनस रिटर्न्स। तो पढ़ो कितना लिखा है, डिपार्टमेंट का सेल कितना है 6,33,492 ना, 6,33,000 इसका हो रहा है 4,92,000 एंड रिटर्न कितना है बच्चों 3,000 सो दिस इज योर 3,000 मीन सेल्स हुआ आपका 6,30,000 एंड ये 2,000 ना, सो दिस इज योर 4,90,000 क्लियर। एंड क्रेडिट साइड में हमें और क्या लिखना है, बस हमें मालूम है सबको क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखना है। देखो बच्चों कितना सिंपल है, हमें मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली हमेशा ही ओपनिंग परचेज सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, ये दीज आर द बच्चों आपका परमानेंट फिगर्स है। ओपनिंग स्टॉक में भी रह सकता है नहीं रह सकता, क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है नहीं रह सकता, पर परचेज सेल्स जरूर रहेगा। अगेन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पर पहले लिख लो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों क्या है, योर क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट वन 6,000 डिपार्टमेंट टू 8,000 यहां पे करेक्शन करके 6 लिखा हुआ है, तो बच्चों 6 होगा मेटेरियल्स आपका डिपार्टमेंट वन का हुआ 6, इसका भी 6 बच्चों क्या 6 ओके 6 लेके चलते हैं, रुको इरेज मत करो देख लेते हैं कि स्टूडेंट का बुक है जरूर उसने प्रीवियसली करेक्शन किया होगा, मेरा ही बुक है ओके। फिनिश गुड्स कितना है 20,000 20,000 और ये आपका 18,000 या 18,000। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चों बेसिक आपका फिगर जो हमें डाटा लिखना था। देन हमें लिखना है टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अंदर आपके पास है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिस इज योर बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 1,80,000 1,60,000 तो 1,80,000 है ना एंड 1,60,000 दैट मीन ये तो एलोकेट उसने कर दिया है एंड अपर्सनमेंट भी कर दिया कि इस डिपार्टमेंट को कितना देना है क्लियर। तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ऑफिस सैलरीज दिस इज इनडायरेक्ट आपका डेटर्स क्रेडिटर्स प्लांट मशीनरी रिजॉर्ट्स बिल्डिंग्स फर्नीचर ऑफिस एक्सपेंसेस नथिंग और कुछ भी नहीं है क्लियर। नाउ हमें क्या करना है बच्चों क्लोज करना है। तो सभी को मालूम है क्लोज कैसे करते हैं, सी कैसे हम क्लोज करें देखो, बहुत सारे टोटल करें 6,00,000 आपका हुआ 56 एंड डेफिनेटली ये कम हो रहा है 6,00,000
56,000. This is your 6 lakh. 56,000. Okay. Next, यहाँ पे हमें निकालना है 2,433 gross profit. Carry it down. That will transfer to आपका नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट. क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो दिस इज योर 6,56,000 हुआ था. दिस इज योर प्लस पर इसको बच्चा 4,95,000. ना कितना हो रहा है? 8,16,723. क्या हो रहा है? 23 प्लस 2, 8 टू 10, 10 टू 12, 1 13, 3, 1, 2, 3, 4, 4 लाख 33. सो क्या निकला आपका ये? 3,22,2 lakh. सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2,23,000. ओके, देन दिस साइड देखो बच्चे, ये 1 lakh, 1 lakh, 2, 3, 4 lakh लगभग हो रहा है. दिस इज योर आपका 4,90,000. ये हुआ आपका 5 lakh. हो गया 5,14,000. हो गया. सो दिस इज ऑल्सो योर 5 lakh. एंड ये आपका हो रहा है कितना? 1,89,000, 1,99,000, 2,09,000, 2,09,000, 3,09,000, 3,69,000. बच्चों 1,89,000, 1,89,000, 1,99,000, 2,09,000, 2,09,000. एंड ये वो आपका 1,60,000, 3,69,000. 69 हो रहा है, 89 नहीं हो रहा. ठीक है, ध्यान से करो. तो दिस इज अ 0,0,0. 14 में से 9 गया 5, आपका रहा 10 में 6 गया 4 एंड 1, 1,45,000. सो दिस इज योर, राउंड कर दो इसे, 1,45,000. सो दिस इज योर बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट रिजर्व, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के साथ. नाउ मूव टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को आधार करके लेके जाएंगे. सी बच्चे, यहां पे एक चीज देखने हमको, सेल्स क्या था? नेट सेल्स क्या था? 4,06,30,000 and 4,90,000. अभी क्वेश्चन ने बोला है ना, जितने भी अन अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग नेट सेल्स पे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नेट सेल्स के बेस पे अपर्सनमेंट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. सो इसलिए नेट सेल्स के फिगर्स को मैंने अपने साइड में लिख दिया. सभी देखें, तो व्हाट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकला था? 2,23,000 and 1,45,000. क्लियर? नाउ मूव टू दी पी अकाउंट की तरफ. देखो बच्चे यहां पर क्या क्या लिखा. पहला आइटम क्या है? ऑफिस सैलरीज. सो 2 ऑफिस सैलरीज कितना लिखा है? 38,000. तो आप कर दिया ना 35, 42. ओके, देन सेल्स तो नहीं होगा,
सेल्स रिटर्न योर डन और जो डेप्टर्स नहीं असेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं होगा, बट डेप्रिसिएशन होगा, क्या होगा? इसको छोड़ दो, लास्ट में करते हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन को नीचे पढ़े करेंगे। आपका लीज ऑल बिल्डिंग फर्नीचर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस टू सेलिंग एक्सपेंसेस, दिस इज योर बच्चों आपका 1,00,000, ये आपका अपर्सन नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना, तो 1,28,000 इनटू बच्चों, देखो ये दिस इज हमारा रेशियो यहां निकलेगा 6,30,000 4,90,000, तो 7 का टेबल देखो होगा ना, 7,9,63,77 तो 9:7, तो 1,28,000 को बच्चों 9:7 में करना है, तो रफ में कर लें 1,28,000 इंटू 9/16 हो गया, तो 9/16 मतलब बच्चों क्या होगा, 16 8 जा 128 एंड 8 9 जा 72, तो 72,000 क्या होगा, 72,000 एंड दिस इज योर बच्चों आपका 7 करने से 56,000, क्लियर? और क्या देखो उसके बाद कैश इन एंड कैश एडवांस योर एसेट कैपिटल लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, बस रहा डेप्रिसिएशन, क्या रहा? तो यहां पे नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन सेट टू, मैं यहां हेडिंग कर देता हूं बच्चों डेप्रिसिएशन, क्या? ओके, ऑन आपका पहला हुआ, पहला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, प्लांट एंड मशीनरी ये आपका है कि ना 2,40,000 है ना, उसके ऊपर आपको 10% चार्ज करना, क्या करना है, तो प्लांट मशीनरी के ऊपर 10%, तो 2,40,000 का 10% क्या होगा, 10% ऑन आपका 2,40,000 इज इक्वल टू आपका 24,000 इंटू फिर क्या होगा 9:7 है ना, तो 9/16 ओके कोई बात नहीं, तो 24,000 10% था ना ये, हाँ, तो 8 to 9/16 कितना हो रहा बच्चों, 4 4 16 4 6 24 000 4 से अगर हम कैंसिल करते हैं 1500 क्या होता है, 15 into 9 बच्चों आपका योर 13,500, दिस इज योर 13,000, अलग अलग से लिखने हमें 13,500 एंड रिमेनिंग आपका 10,500, क्लियर? देन अगेन टू डेप्रिसिएशन, ऑन आपका नेक्स्ट क्या था, बिल्डिंग 2% ऑन बिल्डिंग कितना है, 1,20,000, सो दिस इज योर बच्चों 2,400 क्या निकला, 2,400 ओके, 2,400 इंटू फिर बच्चों आपको 9:7 में मतलब 1,350 एंड 1,050 सेम में हो गया, ये 24,000 था, ये 2,400 है, बस इतना ही है। देन उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर लिख दिया मैंने, दिस इज योर 5% 5% ऑन रुपीज 48,000, सो बच्चों व्हाट इज द 5% ऑफ 48,000, वही कितना निकला है आपका 24 इंटू फिर अगेन 9:7 दैट विल बी योर 13, मैंने बच्चे को हैरान नहीं किया, कैलकुलेशन में सेम सेम दे दिया ना, क्लियर? सो दिस इज योर बच्चों पहले तीन का आइटम्स का हो गया, देन हमारे पास रहा क्या, तो फाइनल आइटम क्या है आपका, लीज होल्ड्स टू
लीज हॉल लैंड वगैरह जो भी होता है कितना निकल गया डायरेक्ट लीजिए 8000 लिखे ना. सो 8000 इंटू 9 इज टू 7 16 5 5 9 45 तो 4500 दिस इज योर 3500 ये आपका हो गया लीज हॉल का. सभी ध्यान से देखें ऑफर सी बच्चों. तो योर क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 2,23,000 एंड ये भी बढ़ाई है दोनों साइड 1,45,000 सो 2,23,1,45,000 टोटल निकालो इसका कितना हो रहा है 1,27,700 क्या निकला बच्चे देखो 95,300 बच्चे 95,300 टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 95,300 देन अगेन 1,45,000 हुआ है इसको ऐड करो 0, 5, 10, 5, 6, 5, 11, 4, 5, 6, 14 1,04,100 सो दिस इज योर 900 ये 0 ये 4 40,000 क्या निकला आपका 40,900 दिस विल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट. क्लियर? तो वेरी सिंपल वे है बच्चों नो डिफिकल्टी आपको शायद सभी को आएगा हाउ टू प्रिपेयर योर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. होप सभी को समझ में आया. क्लियर? ओके नाउ बच्चों हमें क्या बनाना है बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंपली हमारे पास बच्चों पहले कंबाइंड प्रॉफिट निकाल दो इन दोनों को प्लस करके नीचे. सो 95,300 40,900 दोनों को सम करने से क्या निकल जाएगा हमारा कंबाइंड प्रॉफिट. क्लियर? देन उसके बाद हम लोग क्या बना पाएंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आपको डिपार्टमेंट वाइज नहीं देना है बट जस्ट लायबिलिटीज अमाउंट कैपिटल अमाउंट वहां असेट्स अमाउंट. ओके लायबिलिटीज में बस कैपिटल लिखोगे देन ऐड होगा आपका नेट प्रॉफिट. कोई इंडिकेशन कैपिटल नहीं है यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी क्वेश्चन में नहीं है. क्लियर? देन असेट साइड में जो भी असेट्स है माइनस डेप्रिसिएशन जब करोगे दोनों को मिला 13,500 ये 10,000 मतलब दोनों ऑलरेडी कितना है हमारे पास हमने लिख दिया है टोटल डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट के ऊपर 24,000 बिल्डिंग के ऊपर 2,400 बस. क्लियर? तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करें लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट देन एसेट साइड में आपका प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग फर्नीचर लीज हॉल्स कैशिन एंड कैशियर बैंक और संडी डेटर्स और कुछ नहीं है एंड यहाँ पे कैपिटल से एड नेट प्रॉफिट होगा एंड क्वेश्चन में संडी क्रेडिटर्स है यहाँ पे कुछ प्रोविजन वगैरह भी क्वेश्चन में इतना करने से यू विल गेट यूर एसेट एंड लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट बन जाए. क्लियर? होप सभी को समझ में आया. प्रैक्टिस करें क्वेश्चन नंबर 3-4 करके मुझे दिखाएं. दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 and 6 नंबर ट्राई करें. धन्यवाद. हेलो स्टूडेंट्स तो आज का क्लास स्टार्ट करें. तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस क्लास में मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से करवाया था जहां पे हमारे पास परचेज प्राइस पर यूनिट या आपका कॉस्ट ऑफ आपका
ओपनिंग स्टॉक का भी यूनिट प्राइस नहीं दिया था, इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक भी हिडन था। वहां पे हमने सेलिंग प्राइस को आधार करके इन सारी इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करके हमने फाइनली रिटर्न डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। क्लियर? सो टुडेज क्वेश्चन बच्चा, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चा स्टार्ट करें सभी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। बच्चों सभी स्टूडेंट्स देखें, व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे क्वेश्चन में डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, सभी अपनी बुक्स खोलें। फ्लोइंग बैलेंसेस एज एट 31st मार्च 2016 आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए फर्म व्हिच रन्स टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। हियर बच्चों ओपनिंग स्टॉक दिया है एंड ओपनिंग स्टॉक को बच्चों क्लासिफाई किया गया मेटेरियल्स एंड फिनिश स्टॉक में। देन परचेजेस, परचेज रिटर्न, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऑफिस सैलरीज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सन्डे डेटर्स, डेटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड्स, लैंड्स, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ऑन 31st मार्च 2016। देन फाइनली कैपिटल, यू नो सभी को मालूम है। सो ओपनिंग स्टॉक बच्चों डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न माइनस होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, ऑफिस सैलरी बच्चों आपका पीएनएल अकाउंट में डेबिट में आएगा, सेल्स आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न वहीं से एडजस्ट होगा माइनस होके, डेब्टर्स बच्चों एसेट, क्रेडिटर्स आपका हुआ लायबिलिटी, प्लांट मशीनरी एसेट, लीजहोल्ड आपका एसेट, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एसेट, फर्नीचर एसेट, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आपका पीएनएल में आएगा। क्लियर? देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दीज आर ऑल्सो आपका करेंट एसेट या मोस्ट लिक्विड एसेट में जाता, दैट इज ऑल्सो आपके अंदर एसेट साइड। देन कैपिटल बच्चों आपका लायबिलिटी में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर बाय 2%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 5%, लीज होल्ड्स आर टू बी रिटेल ऑफ, मतलब ये भी डेप्रिसिएशन आपका हुआ बाय 8,000। सो बच्चों आपको प्लांट मशीनरी पे एक मार्क करना है बिकॉज इसका एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे भी एक मार्क देना है, फर्नीचर पे भी एक मार्क देना है, एंड फाइनली बच्चों आपको लीज होल्ड्स पे भी एक मार्क देना है बिकॉज ऑफ देयर इज अन एडजस्टमेंट। ओके, द स्टॉक एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ मेटेरियल्स बच्चों आपका दिया है एंड फिनिश स्टॉक के, फिनिश गुड्स के बारे में भी यह है, मतलब स्टॉक को मेटेरियल्स एंड फिनिश स्टॉक इस दो कैटेगरी में क्लासिफाई करके शो किया गया। ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर बच्चों आप जितने भी एक्सपेंडिचर ऊपर हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑफिस हो, जितने भी एक्सपेंडिचर्स आपके हैं, सैलरीज वगैरह जो सेलिंग एक्सपेंस है, सारे आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द रेशियो ऑफ नेट सेल्स। क्या नेट सेल? नेट सेल मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल आपने कितना सेल किया।